मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे हम लोग लेसन 5 शुरू करेंगे। मिस्चीवियस सन, नटखट सन। नटखट का सन कहाँ रखते था? मुंबई में रखते थे। ही वॉज वेरी वेरी नॉटी। एक दिन वो चिड़ियाखाना गए, जू का अर्थ है चिड़ियाखाना गए, और उधर उसने क्या किया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, लेट अस ओपन आवर बुक। लेसन 5, मिस्चीवियस साम, नटखट साम। साम लिव्स इन मुंबई। साम मुंबई में रहते हैं। इट इज ए बिग सिटी, वह एक बड़ा शहर है। देयर इज ए बिग जू विथ ब्यूटिफुल बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। उधर एक चिड़ियाखाना है, उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया है और जंगली जानवर भी है। इन ए बिग टैंक देयर इज ए ब्लैक क्रोकोडाइल, एक बड़ा सा टैंक में काला एक मगरमच्छ है। द वाइल्ड गोट्स आर क्लाइंबिंग द रॉक्स, जंगली बकरा चट्टान के ऊपर चढ़ रहे हैं। ब्यूटिफुल पैरट्स सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ए टॉल ट्री, एक लंबा ट्री का ऊपर सुंदर सुंदर तोता भी बैठे हैं, डालिया पर बैठे हैं। सम मंकीज आर स्विंगिंग ऑन ए लॉन्ग रोप, एक लंबा रस्सी में मंकीज झूल रहे हैं। मंकी का अर्थ क्या है? बंदर बैठे हैं। वन डे साम केम एंड स्टूड नियर द बिग केज, एक दिन साम कहां खड़े हैं? एक केज का सामने का, केज का अर्थ है पिंजरा, पिंजरा के सामने खड़े हैं। देयर वॉज ए स्मॉल एलिफेंट इनसाइड, इनसाइड का अर्थ है अंदर में, अंदर में क्या देखता है? एक छोटा सा हाथी है। इट हैड ए लॉन्ग ट्रंक एंड ए बिग ईयर्स, इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक सूड, और उसका क्या है? बड़ा बड़ा कान भी है। साम थॉट ऑफ प्लेइंग ए ट्रिक ऑन द एलिफेंट, उसने सोचा मैं एक ट्रिक करूंगा, एक चालाकी करूंगा हाथी के साथ। ही ब्रॉट सम राइप प्लांटेंस एंड गेव देम टू द एलिफेंट, वो क्या लाया? पक्का केला लाए और उसको खिला रहे हैं। As soon as the hungry elephant put its trunk out, he drew back his hand. उसको मजा कराते है ना, इसलिए उसने क्या किया, ये पक्का पक्का केला को उसको खिलाया, उसका मुंह के उधर में लाते हैं, फिर उसको खींच लिया। He did this several times. बहुत बार ऐसे उसको चालाकी किया। The elephant was angry. Angry मतलब क्या है? गुस्सा हो गया। इस बार हाथी गुस्सा हो गया। After some time, a man took the elephant for a walk. कुछ देर के बाद एक आदमी आया उधर और एक हाथी को बाहर निकालने चलने के लिए। As he was walking, he saw the cruel boy. ये चलने शुरू किया हाथी, तब उसने किसको देखा? एक क्रूवल बॉय, निर्दय बॉय। कौन है निर्दय? साम। साम को देखा। When he came near him with his long trunk, he took Sam's red cap. जब एक हाथी उसके पास आया, उसने क्या किया? उसका सूंड से उसका जो रेड कैप सिर में था उसको निकाल दिया। He held it in his trunk and showed it to Sam. अपना सूंड में उसको रख के साम को दिखाया। क्या दिखाया? उसका कैप, उसका टोपी को साम को दिखाई। When Sam went to take it, the elephant lifted it very high. जब साम उसके पास आया उसको उठाने के लिए, उसने तो क्या किया? उसको एकदम ऊपर उठाया। साम could not reach. साम नहीं पहुंच सकते। Again and again, the elephant did this. उसके साथ भी मजा करने लगा रही, उसके ऊपर ऊपर जब लेने जाते हैं एकदम ऊपर उठाया। साम वॉज एंग्री
एंड ही टुक ए स्टोन टू थ्रो एट द एलिफेंट। इस बार किसका गुस्सा हो गया? सांप। सांप ने क्या किया? एक पत्थर उठा के उसको फेंकने शुरू किया। द क्लेवर एलिफेंट टोर द कैप इन टू स्मॉल पीसेस एंड थ्रू इट टू सांप। उसने क्या किया, ये चालाकी हाथी ने क्या किया, उसका कैप को एक तो टुकड़ा टुकड़ा करके मेड इट इन टू पीस एंड थ्रू इट टू सांप, सांप का ऊपर फेंक दिया। सांप लॉस्ट हिज प्रेटी कैप। सांप अपना प्रेटी सुंदर कैप को खो लिए। नाउ डियर चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू द मीनिंग। इट्स ए कठिन शब्द का सब मीनिंग इधर लिखा है और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी इधर दिया है। वेयर डिड सैम लिव? आंसर इधर लिखा है, सैम लिव्ड इन मुंबई। वेयर वॉज द क्रोकोडाइल? इन ए बिग टैंक। व्हाट डिड ही गिव टू द एलिफेंट? एलिफेंट को क्या दिया था? राइप प्लांटेंस। हु टुक द कैप फ्रॉम सैम्स हेड? हाथी। ये सबको इधर लिया है और सेपरेट का नेमिंग और संज्ञा एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव और संज्ञा को अलग अलग करके आप लोग लिखेंगे। ब्लैक, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। और टॉम वो नाउन संज्ञा, ऐसे करके आप लोग अलग अलग करके अपना नोटबुक में लिखिए। ओके चिल्ड्रेन।